Assalamualaikum dear students. Dear students, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था नेटवर्क्स का, और नेटवर्क्स का मैंने आप लोगों को पर्पस बताया था। तो आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क हार्डवेयर कौन कौन से है और इनका काम क्या होता है। चले चलते हैं अपने नेटवर्क हार्डवेयर के स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, नेटवर्क के बड़े सारे हार्डवेयर्स हैं। इसमें हम स्टार्ट लेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। ये नाम आप जो है मुख्तलिफ तरीकों से सुनेंगे। कुछ लोग इसको निक कहते हैं, NIC निक। कभी आप सुनेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कभी आप सुनेंगे लैन कार्ड। तो ये बड़े सारे इसके नाम हैं, लेकिन मकसद एक ही होता है और चीज़ एक ही होती है। ये जो आपको नज़र आ रहा है पिक्चर यहाँ पर, ये हमारा जो कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये बेसिकली वायर्ड कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। यहाँ ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, अगर मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा मार्क करा सकूँ, ये हमारे पास जो पोर्ट है इसको लैन पोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लैन पोर्ट है, और इसमें हम जो कनेक्टर या वायर के साथ जो कनेक्टर लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं RJ45। ये इसका कोड नेम है, और वो कनेक्टर ये वाला है। आप लोगों ने ये देखा होगा और बार बार देखा होगा। ठीक है, तो इस तरह है कि ये हमारे वायर के एक सिरे पे और दूसरे सिरे पे ये कनेक्टर्स लगे हुए होते हैं। ये वायर जो है ये ईथरनेट वायर कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये हम देखेंगे बाद में डिटेल से जब इसकी बारी आएगी, वायर की बारी आएगी। ये जो केबल है इसकी, तो इस केबल के साथ ये कनेक्टर लगा हुआ होता है, और इस कनेक्टर को हम यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, और इसी तरह ये हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। अब इसका एक जो ये साइड है ये यहाँ लग जाता है, और दूसरा डिपेंड करता है कि ये आप कहाँ लगाना चाहते हैं, किसी और कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं या ये आप किसी स्विच में लगाना चाहते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है, जो हम इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल के साथ कि हम कनेक्टिविटी किस तरह करते होते हैं। ठीक है, तो ये RJ45 कनेक्टर कहलाता है, और ये इसी कनेक्टर के लिए ये एक पोर्ट है। ठीक है, RJ45 अब इसको पोर्ट कहते हैं, ये वैसे लैन पोर्ट हम इसको कहते हैं नेटवर्क कार्ड में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इंजेक्ट कर देते हैं, इसको लगा देते हैं, और यू आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। ये नेटवर्क कार्ड बेसिकली मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है, और इसका आपको जस्ट ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है आपको बाहर यूजुअली जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं CPU के बैक पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो कि आपको नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वाया अ वायर्ड कनेक्टर। अब ये भी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, NIC जिसे हम कहते हैं, ये भी निक है, और वही काम करता है जो कि ये पहले वाला कर रहा था। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि ये वायरलेस है। इसमें ये एंटीनास जो लगे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अब इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप कोई जो इस तरह का कनेक्टर है, ठीक है, या आप इस तरह का कोई केबल जो है वो इंजेक्ट कर दे, वो इसमें आप लगा दें, कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये जिस भी कंप्यूटर सिस्टम में लगा हुआ होता है, तो ये क्या करता होता है कि ये जो वायरलेस सिग्नल्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो कर कैच कर लेता है। ठीक है, जो आपके APs होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके सिग्नल्स को, वायरलेस सिग्नल्स को, और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स जो होते हैं वायरलेस, ये उनको रिसीव कर देते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स है, और जो हमारे लैन के जो डिवाइसेस होते हैं APs एक्सेस पॉइंट्स जो है, वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, वो सिग्नल्स सेंड करते हैं और ये रिसीव करते हैं। तो इस तरह वाया
वायरलेस सिग्नल जो है तो वो आपको कनेक्टिविटी नेटवर्क के साथ दे, इन दोनों में ये फर्क है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा एक और हार्डवेयर है वो आ जाता है, उसको हम कहते हैं स्विच। ये नेटवर्क स्विच है, ठीक है, ये इसका बैक है। अगर यहाँ आप देख ले तो ये हमारा पावर सप्लाई है, और इसी पावर सप्लाई के थ्रू हम क्या कर देते हैं कि इसको पावर दे देते हैं, और ये यहाँ से ही अपना पावर लेके पावर ऑन हो जाता है। फिर ये इसका फ्रंट आपको नजर आ रहा है, ये वही लैन पोर्ट से जिसमें हम RJ45 जो कनेक्टर है वो लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टर हम यहाँ पर लगा के, और इसके साथ हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स जो है, अपने जो मशीन्स है वो इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, स्विच एक नेटवर्क हार्डवेयर है, एक नेटवर्क डिवाइस है, और ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट इन द सेंस कि ये मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो एक एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, उसी के बेस पे ये डिसीजन कर रहा होता है, और उसी के बेस पे ये अपना डेटा जो है इन्हीं पोर्ट्स के जरिए जो सिस्टम इनके साथ लगे होते हैं उनको फॉरवर्ड कर देता है। यानी कि अगर कोई कंप्यूटर है तो इसका कोई मैक एड्रेस होगा, और वो मैक एड्रेस आके यहाँ इस स्विच के मैक एड्रेस टेबल, मैक टेबल यूजुअली हम कहते होते हैं, तो इसके मैक एड्रेस टेबल में स्टोर हो जाता है इस पोर्ट के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको कह रहा हूं कि ये एक मैक एड्रेस टेबल है। ठीक है, इसमें ये पोर्ट नंबर, लेट्स से कि ये पोर्ट नंबर 11 है, और ये डिवाइस जो है इसका जो मैक एड्रेस है वो है ए ए तो क्या होगा कि इस मैक एड्रेस टेबल की एंट्री होगी जो कि वो हम उसको क्या कहेंगे, ये पोर्ट नंबर है इसका ए ए ए, और इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसके अगेंस्ट यहाँ पर हमने इसका पोर्ट नंबर लिखा होगा पोर्ट नंबर से 11। ठीक है, इसी तरह जो भी वो है सिस्टम्स इसके साथ लगे हुए होते हैं, कोई और भी सिस्टम है उसका, चाहे बीबी है तो वो भी यहाँ पर हमारे पास ये मेंशन होगा, और उसका जो है पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस पोर्ट नंबर, मैक एड्रेस पोर्ट नंबर यहाँ पर इसके मैक एड्रेस टेबल में पड़े होंगे। इसको मैक एड्रेस टेबल भी कहते हैं, और कैम टेबल भी कहते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इसको कहते हैं। ठीक है, कैम टेबल कहते हैं, CAM कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, बात एक ही है, इसको मैक एड्रेस टेबल या कैम टेबल कहते हैं। मैक मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है ना, और कैम मींस कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है, बात एक ही है, एक ही टेबल के दो नाम है, ये लिटरेचर में यूज होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे होते हैं पोर्ट टू मैक एड्रेस, हमारी मैपिंग हुई हुई थी, और क्या होता है कि जब इसके पास इस सिस्टम से कोई डेटा आता है और वो डेटा ये सिस्टम सेंड करना चाहता है इस सिस्टम, इसको हमने कह दिया सिस्टम ए, फर्ज कर ले ये हमारा सिस्टम बी हो गया। सिस्टम बी चाहता है कि वो कम्युनिकेट कर दे किसके साथ, सिस्टम ए के साथ। अब जब ये डेटा यहाँ स्विच के पास आ जाता है, स्विच क्या करता है कि वो सबसे पहले अपने मैक एड्रेस टेबल में देखता है कि आया जो फ्रेम इसके पास आया हुआ है यहाँ इस सिस्टम बी से, उस फ्रेम में मैक एड्रेस किसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसके मैक एड्रेस टेबल में वो मेंशन है कि ये मैक एड्रेस टेबल जो है पोर्ट 11 पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि पोर्ट 11 पे एग्जिस्ट करता है, तो ये सीधा उसकी तरफ रवाना कर देता है। और अगर इसके पास वो डेटा ना हो तो फिर ये क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि ये जो सारे पोर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी है, 48 है, 24 है, ठीक है, डिपेंड करता है हर स्विच पे, तो
हर स्विच में अपना एक पोर्ट नंबर होता है। हम सपोज कर देते हैं कि ये 48 पोर्ट्स है, तो क्या करेगा कि जब इसके पास कोई फ्रेम आता है और वो फ्रेम के अगेंस्ट यहाँ इसके मैक एड्रेस टेबल में एंट्री नहीं होती तो वो फ्लड कर देता है, इसको फ्लडिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वो फ्लड कर देता है। फ्लड मींस कि ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, और वो जो है सिर्फ इस पोर्ट के अलावा जिस पे इसने रिसीव किया है, बाकी सारे पोर्ट्स पे ये सेंड कर देता है। ठीक है, तो अब ये सब सारे सिस्टम जो इस पे लगे हुए हैं, सारी जो मशीन्स इस पे लगे हुए हैं इस पोर्ट के अलावा जिस पे इसने रिसीव किया है, तो ये फ्रेम जो है ये फ्लड कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, और क्या होता है कि जिसके लिए ये होता है वो रिप्लाई बैक कर देता है, और जब वो रिप्लाई बैक कर देता है कि हाँ ये मैक एड्रेस जो है ये मेरा है, तो क्या होता है ये फ्रेम फिर उसके पास भेज देता है। ठीक है, उस ब्रॉडकास्ट के बाद ये फ्रेम जो है उसी सिस्टम की तरफ भेज देता है जिसके लिए ये हो, और उसके बाद ये जो स्विच है उस मैक एड्रेस को अपने मैक एड्रेस टेबल में रख के उसको सेव कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्विच है, और ये याद रख के कि ये हमारे पास एक ओएसआई लेयर मॉडल होता है। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, ये एक लेयर मॉडल है, इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो स्विच जो है ओएसआई की लेयर टू पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेयर टू पे, और उसको हम क्या कहते हैं, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे स्विच एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये जस्ट अभी बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे जब ओएसआई लेयर मॉडल जो है हम इंशाल्लाह उसकी उसके उसके लेक्चर में। ठीक है, तो ये स्विच काम नहीं करते, और ये स्विच के स्पेसिफिकेशंस है, और इसके काम करने का एक मेथड जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। तो आज की ये इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।